भाई आज तो इतनी हद पार कर दी है लेट होने की, कोई मेरे को अवार्ड में दो चार लाते मारेगा अगर मुझे अवार्ड दिया जाए तो। इतना गुस्सा दिला दिया मैंने किसी को, इतना गुस्सा दिला दिया कि बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। अपनी लाइफ में इतना सीरियस नहीं होगा ना कभी, कुछ नहीं होगा। यार आज लेट हो गया है, उसमें क्या हो गया यार? बहुत कुछ हो गया यार, मैं इतना वेट कर रहा हूँ यार, मेरे को जाना भी और भी काम है मेरे को यार। अभी यार लेट हो गए तो हो गए, लेकिन आज गलती मेरी थी, ब्लॉग एडिट करने में लग गया और अपलोडिंग करने में लग गया ना, तो भाई जब मैं पहुंचा, मतलब जब भाई का फ़ोन आया 6 बजे, तब मैं ब्लॉग अपलोड कर रहा था और उसको मैं बोला कि भाई मैं पहुंच गया हूँ मेट्रो में, तो यार गुस्सा तो होना लाजमी है। रास्ता मिला नहीं मिला, तो भाई मंदिर के दर्शन तो अच्छे हो गए हैं और अब थोड़ा घर निकल रहे हैं। किस वजह से निकल रहे हैं बाद में बताऊंगा मैं आपको, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है इस चक्कर में घर जाना पड़ रहा है। हुई नहीं है वैसे, हम जो जितना सोच रहे हैं ना, जो बाय रोड है उनको प्रॉब्लम है, हाँ, जो कि यार सम अब मैं वही बात है, आप लोग को पता ही आजकल क्या न्यूज़ चल रही है, उसी चक्कर में शायद उत्तम नगर में भी, टैगोर गार्डन तिलक नगर, मेरे को न्यूज़ सुनने में आई है। अब देखो कहाँ तक किस हद तक सही है गलत है वो तो जाके पता चलेगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता यार। आते अपनी बंदियों के साथ, हम आते बंदों के साथ कुर्सी पे घूमने के लिए। फर्स्ट जनवरी से हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम हनुमान मंदिर जाएंगे 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 जाएंगे, बट वैसे एक बात है ना, ना वो हमारे को करने में प्लान जो फ्लॉप ही करना पड़ता ये भाई साहब, बहुत फाइनली वी आर कमिंग इन सीपी हनुमान मंदिर। ये भाई साहब पता है मेरे को तो कह रहे हैं कि बेवकूफ बना दिया, लेकिन जिसको इन्होंने कल बेवकूफ बनाया है अगर वो बंदे ये ब्लॉग देख ले ना तो इनका तो गेम ओवर हो जाएगा। याद आया कुछ? क्या याद आया? कल जिसको आप उल्लू बना रहे थे, क्या उल्लू बना रहे थे कल? क्या कि हम यूपी में हैं, यूपी में है। अबे ओए ब्लॉग तो जाएगा ब्लॉग तो जाएगा तो भाई अब आप कुछ कर सकते हो नहीं, जैसा पागल आप बनाते हो वैसे ही आज थोड़ा हमने बना लिया। अरे तो यार मंदिर के उसको इतना पागल बनाना गलत बात है, मंदिर के उस पे कुछ नहीं होता, आदमी भगवान को, भगवान ने ये नहीं कहा है, भगवान कहते हैं कि सच्चे मन से प्रार्थना होनी चाहिए। भाई जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना कि सारे जगह पेट्रोल पंप दुकानें सब बंद हो गई हैं, और अभी मैं सुभाष नगर पे खड़ा हूँ। देखो यार क्या होता, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से दंगे वंगे हो जाते हैं यार, सारी मार्केट बंद हो गई है, सब जगह रोड ब्लॉक हो गई है, तब नगर में भी, तिलक नगर में भी, द्वारका तक का ये मतलब ब्लॉक किया हुआ है, मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद कर दिए थे, मतलब मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। अब देखो अगर हम टाइम पे घर पहुंच पाए तो अच्छी बात है, बहुत बुरा है वैसे तो ये सीन जो सुनने में आते हैं ना। भाई हम लोग मेट्रो में, हमारा तो कुछ नहीं, पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तब भी सेफ है मेट्रो के अंदर, लेकिन जो लोग ऑन रोड है यार उनका क्या हाल होगा उनका समझ में नहीं आ रहा। और जिन लोग के आज के दिन शादियां हैं, मैं तो कहूँ भगवान सेफ रखे सबको। और सारे के सारे पहुँच गए यार, मैं जैसे कि देख रहा हूँ पूरी रोड ब्लॉक, सब जगह अंधेरा, लाइटें सब बंद, पेट्रोल पंप भी बंद, सब दारू के ठेके बंद। लेकिन यार ये मतलब गलत चीज़ है,
ये जो धर्म के मामले में लड़ाई है ये सब गलत चीज है भाई। सब जगह बंद हो गया यार, सब खाली खाली, सब खाली खाली, सब भग गए अपने अपने घर। में स्कूटी खड़ी है मेरी, इसलिए फट रही थी मैं ना, स्कूटी है ज़्यादा तेज। मुझे तो लग रहा है नेटवर्क भी मतलब डाउन कर दिया, नेटवर्क भी जगह पुलिस है, स्कूटी निकल जाएगी, निकल जाएगी अंदर तो, अंदर लोकल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो दिक्कत है मेन मेन। दोस्तों वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग और हैप्पी होली आप सबको। अच्छी धूप निकली है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन सही है। और अभी कहीं जा रहे हैं, कहीं जाऊंगा मैं वैसे तो, और थोड़ा सोचा है आज चमक धमक के नहा धो के तैयार हैं आज हम, एक भी कलर नहीं लगा हुआ आज मुँह पे, जो खेलना था खेल चुके जल्दी से। तो भाई अब जहाँ जाना है वहाँ तो चमक धमक के जाएंगे। थोड़ा सिंस मेरा मिल चुका है मेरे को, उस दिन मैं सैटरडे को ही गया था, नेक्स्ट हफ्ते सीधा ये व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है, अब सीधा नेक्स्ट हफ्ते होली वाले दिन। तो यार अब सीधा कहीं जाने का मूड है, कहीं घूमने का मूड है, और चलते हैं जहाँ पे भी जाने का मूड है। और आपको अच्छा कंटेंट दिखाने के लिए कुछ तो जाना पड़ेगा ही ना यार, कुछ तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल ही चल रहा है लाइफ के अंदर। मज़ा आना चाहिए यार, जो भी है मज़ा, हर तरीके से मज़ा ही आना चाहिए, हम मज़ा बांट रहे हैं मज़ा, और आपको भी मज़ा आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और जल्दी से यार ये लेवल अचीव करना है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है यार, बहुत ज़रूरत है, ये लेवल अचीव करना है 1000 सब्सक्राइबर का और 4000 आवर्स वॉच आवर, उनकी बहुत ज़रूरत है मेरे को, कि सक्सेस पीछे 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 आपके पीछे पीछे चलेगी सक्सेस। तो यार प्लीज़ चलते हैं अभी, चलो भाई अभी सीधा प्लान कहीं जाने का बन रहा है, और अच्छी जगह जा रहे हैं फ़िलहाल तो। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने फ्रेंड का, बहुत देर लगा दी है यार इन्होंने आने में, बहुत लेट लतीफ़ है, हर बार देर लगाते हैं। पूरा रोड खाली लग रहा है, पूरा रोड होली के दिन आज पूरा रोड खाली है, ऐसा लग रहा है शहनशाह की तरफ बस हम ही घूम रहे हैं आज, और कोई दिक्कत भी नहीं है यार, पूरी सेफ्टी के साथ चला हूँ, हेलमेट भी बढ़िया ले लिया है। कल तो यार मैं जनकपुरी में खड़ा हुआ हूँ, इतनी देर हो गई है, बहुत ज़्यादा देर, अब इनको बताना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा, किसी दिन की देर नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग सेफ्टी के साथ चल रहे हैं, कुछ बिना सेफ्टी के चल रहे हैं, और बहुत लोग नशा कर रहे हैं, मतलब माफी मांग रहे इतनी देर वेट कराने के बाद। रियली सॉरी फ्रेंड्स, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया, घर पे कुछ काम कर रहा था इसलिए लेट हो गया, आई एम सॉरी। मैंने पता है कितना बोला है आपको कि सबक सिखाऊंगा किसी दिन मैं आपको, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। चलो चलते हैं यार, खाली रोड पर है पूरा, चलते हैं किसी। टैंक फुल कर दो भैया इसका टैंक, पेट्रोल कितना कुछ नहीं पता। इसकी वीडियो कैसे ले, वैसे यार ये पाजी मैं घर दिखाने वाला हूँ नहीं, और हाँ इतना बता दूंगा मैं ब्लॉग के अंदर अपने, कि अपने प्रजोत पाजी जिनका चैनल है जट प्रजोत, और उनके जो फ्रेंड है साहिल, उनका घर पाजी ने दिखाया मेरे को। ये सर कैसे निकल गया इसका, ये पाजी इसका पेज टूट गया, ये बेल्ट होना था, शुक्र है सही टाइम पे निकला है। इसके डिक्की खोलो, डिक्की ऊपर करो, आ जाएगा, आ गया आ गया, शुक्र है भाई। अगर ये कहीं गिर जाता ना यार ऐसी जगह की हम नहीं उठा पाते तो सही में यार, बैठो जल्दी जल्दी, बैठ गया जल्दी बैठ गया।
एक तो हाईवे पे यार शुक्र है आज होली है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, वरना यार पापा कहते कि यार ये क्या कर दिया, एक और नुकसान कर दिया तूने यार। तो भाई जीटी करनाल रोड पे हमने एंट्री मार दी है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आपने मैंने तो आपको बताया कि हम जा पा रहे हैं, थोड़ी हवा बहुत चल रही है, बाद में बताता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ हम कहाँ जा रहे थे, हम जा रहे थे मूरथल। ये अपनी आ गई स्कूटी। तो यार हम बहुत भाई बहुत तेज आई हुए भाई, हम जा रहे थे मूरथल, सुखदेव का ढाबा है ना, सुखदेव अमरीक सुखदेव। तो यार वहाँ पे हम जाना चाह रहे थे, तो अभी और कम से कम नहीं तो 35-40 किलोमीटर दूर है पाजी। उन्होंने तो यार 30-35 बताया अपने हिसाब से, अभी कितना दूर होगा अभी उसका भी अंदाज़ा नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है। तो यार अब आज मेरी सिस्टर का भी हैप्पी बर्थडे है, तो यार मैं सोच रहा हूँ घर पे सही टाइम पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। घर पे मैं बताया था कि द्वारका में आया हूँ, तो यार हाँ सही में भाजी इतनी दूर जाना यार वर्थ लग नहीं रही। अब करते मारते यू टर्न यार, हालत ख़राब हो जाएगी फिर, और घर पे भी फिर जवाब देना यार भारी पड़ जाएगा। लौट के बुद्धू ना ना CPI से बहुत ही गलत डिसीजन था यार ये हमारा, बचकाना डिसीजन। एक तो स्कूटी का टायर भी खराब है, वो तो मैंने बाद में देखा। तो ये मैंने हाईवे पे ही देख ली, अगर हम और आगे 40 किलोमीटर चले जाते तो पता नहीं वापसी आते नहीं आते। लेकिन यहाँ क्या है, अपना एरिया है, यहाँ कुछ हो भी जाए तो सही तो हो जाएगी। और आज सुबह मैंने अपने भैया से भी बात करी थी, शादरे में रहते हैं, सिग्नेचर ब्रिज होते हुए यहाँ आ रहे हैं अब हम। उनके पास जाने का भी बड़ा मन कर रहा था, लेकिन यार अब क्या करें, जो भी है ठीक है, टाइम बचा ही नहीं यहाँ पे। हमारे पास सुपर बाइक होती ना अच्छी खासी 200-400 CC वाली, वो यार उसको भगाने का मज़ा ही अलग आता, और बहुत जल्दी पहुँच जाते। या तो अपने पे होती डोमिनार 400 हैं तो भाग भी जाते, तब तक तो मतलब इतनी भगाते वहाँ पहुँच जाते और आ भी जाते हम। तो भाई अब आ गया हूँ मैं घर पे, और पता है खाने को तो कुछ दिखा नहीं और ना कोई दुकान खुली हुई थी, तो सीधा घर पे आ गए। मैंने सोचा कि आज बहन का बर्थडे है तो पनीर बनाया जाए घर पे, तो मैंने आधा किलो पनीर ख़रीद लिया, को भी किसी दिन बना के रेसिपी दिखाऊंगा। तो यार आज का दिन तो ऐसा ही बीत गया बस, मतलब ये जो था ना आज का जो प्लान बनाया था थोड़ा बचपने में बन गया प्लान यार, मतलब ना कुछ सोचा ना कुछ किया बस बन गया। चेक करके जाओ कि स्कूटी हो चाहे बाइक हो कुछ भी हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यार हाईवे रूट है। अब मान लो अगर कुछ और हो जाता तो हम कहाँ आगे पीछे घूमते। और जैसा कि आपको पता ही है कि ये व्लॉग पिछले हफ्ते का, अब इस हफ्ते कंटिन्यू हुआ है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता यार बीच में, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि क्या है कि बीच में इधर उधर जाना पड़ता है। इसी के साथ हमें लाइक सब्सक्राइब करते रहो, और सबसे बड़ी चीज़ यार कम से कम ना 1000 सब्सक्राइबर्स मिनिमम, और यार 4000 वॉच आवर होना ज़रूरी है यार, तो थोड़ा जल्दी से यार ये लेवल अचीव करवाओ, तो यार आपको भी मज़ा आएगा और हमें तो डबल मज़ा आएगा यार, और आपको और ट्रिपल मज़ा देने के लिए फिर हम बैठे हैं। मैं समझूंगा कि यार बहुत अच्छा, मतलब मैं प्यार बांट रहा हूँ, मज़ा बांट रहा हूँ, सब कुछ चीज़ है, आपको अच्छा लग रहा है, मैं मतलब यही और सोच सोच के और अच्छा अच्छा कंटेंट दिखाऊंगा। इसी के साथ अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब करते रहो, मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करते रहो,
और वो कंटेंट आज का अधूरा जो रह गया वो आपको जरूर दिखाऊंगा मैं। तो मिलता